क्या घटना हुई थी, किन लोगों ने अपहरण किया था आपका? जैसे मैं घर से निकल के परचूने की दुकान में पहुंचा था, वहाँ पे एक बिलेनो का राती है, वो पूछते हैं गुजरात टाइल का शोरूम कहाँ पर है। मैंने कहा बम्बे से राइट पे चले जाओ, वहाँ पे शोरूम है। पीछे से दुकान वाले बोलते हैं अरे हम शोरूम तक जाने, आप ही बैठ जाओ। और फिर इसमें बैठने के बाद में जैसे हम बम्बे पहुँचते हैं, बम्बे पहुँचने के बाद में ये कहते हैं कि भूड़ चौराहे पे एक आदमी मिस्त्री खड़ा हमारा, और मिस्त्री को लाना। हम जैसे ही भूड़ चौराहे की तरफ चले, उन्होंने एक साथी मेरे को नीचे को दबा लिया। दबाने के बाद में उनके साथ मेरी हाथापाई सी हुई छूटने के लिए, उस हाथापाई होने के बाद में ये मेरे को ले गए नहर पर। नहर पर ले जाने के बाद में इन्होंने मेरे को तीन लिक्विड से पिलाए। हम इसी बीच में नहर पर ले जाने से पहले गाड़ी में ही पापा को कॉल कर दी थी, और नहर पर ले जाने के बाद में इन्होंने जब लिक्विड खिला दी, फिर उसके बाद उन्होंने होश नहीं रहा, और फिर इसी अपने उन्होंने अपने घर ले गई। अच्छा, कुछ पैसे भी मांगे थे क्या बदमाशों ने? मेरे से कुछ नहीं मांगे थे, मेरे जेब में पैसे रखे थे और मेरे पापा। अच्छा, आपके पापा से आपके परिजनों से कितने पैसे की डिमांड की? 30 लाख रुपए की डिमांड करी थी। देखिए, दिनांक 1 फरवरी को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास, जब अपने घर से 50 कदम की दूरी पे गौरव सन ऑफ विजय सिंह, जो टाइल्स का नवोदित कारोबारी है और अच्छा काम इसका चल रहा है, एक घर से दुकान जाने के लिए निकला, तो उसी समय ये रहस्यमय परिस्थितियों में एक बोलेनो कार वहाँ आई और उस कार में ये स्वतः बैठे। इसके बाद में इन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया और चिल्लाने की आवाज़ इनकी आ रही थी। इस आधार पर इनके पिता के द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। हम लोगों ने तत्काल इसमें 364 IPC का अभियोग दर्ज किया, और शुरुआती दौर में जो CCTV कैमरा गौरव जिनका अपहरण हुआ था उनके घर पर लगा हुआ था, उसको देखने से लग रहा था कि ये किसी जानने वाले की कार में बैठ के गए हैं। एक नीले रंग की बोलेनो कार थी और जिसका नंबर जो विजुअल था वो UP 13 BM 52, इतना जो है नंबर आ रहा था, नीले रंग की कार थी। इसके बाद हम लोगों ने पूरे जनपद में लगभग 2200 बोलेनो कार थी, RTO कार्यालय से उनका डिटेल लिया गया, जिसमें 2422 कार नीले रंग की थी। 422 बोलेनो कारों के जो धारक थे उनका एड्रेस दे करके हर जगह टीम भेज करके वेरीफाई किया गया। एक टीम ये काम करती रही, दूसरी टीम हमारी जगह जगह जितने शहर में 100 से अधिक CCTV कैमरे उस बम्बे के रास्ते से होकर के शहर के चारों तरफ निकलने के थे, उनसे जो है कार की पहचान और कार की दिशा जानने का प्रयास किया गया। इस बीच में हम लोगों को थोड़ी सी और कुछ जानकारी डेवलप हुई और दिल्ली भेज करके जो गाड़ी का नंबर था उसको थोड़ा जब अच्छे तरीके से दिखवाने का प्रयास किया गया तो गाड़ी का नंबर लगभग हमें मिल गया। उस आधार पे गाड़ी की शिनाख्त हुई और गाड़ी जब देखी गई मौके पे जाकर, तो गाड़ी जहाँ खड़ी थी जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में, काफ़ी परिवर्तन गाड़ी में कर दिया गया था। पहले दिन घटना के दिन जो गाड़ी थी उसमें जो पीछे जहाँ जहाँ जो स्टिकर लगे थे वो सब हटा दिए गए थे, और टायर आज के पास भी जो है सिस्टम को काफ़ी चेंज करके उसका लुक चेंज करने का प्रयास किया गया था, तो हम लोगों को डाउट हो गया। उस गाड़ी के ड्राइवर की तलाश की गई तो वो दिल्ली में था, हमारी टीम तत्काल दिल्ली रवाना हुई और वहाँ से पीछा करते हुए हम लोगों ने ड्राइवर को रास्ते में आज रात लगभग 10:30-11 बजे के आसपास ड्राइवर को उठाया। ड्राइवर से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जहाँ पर ले जा करके अपहृत को रखा गया है, मैं स्थान का नाम तो नहीं जानता, वहाँ पहुँचा सकता हूँ। फिर हमारी टीम वहाँ पहुँची, वहाँ पे इकबाल सन ऑफ अल्लाह काजी, जो लगभग 60 साल जिनकी उम्र है, ये रखवाली करते हुए चाकू लिए हुए मिले। अंदर कमरे में अपहृत गौरव मिला, इनको वहाँ से उठाया गया। इसके बाद कहानी का जब अनावरण हुआ तो पता चला कि अपहृत गौरव के ठीक पड़ोसी ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राजकुमार उर्फ बबलू है, जो लगातार इनके शुभचिंतक बनकर 2 दिनों से परिवार वालों के साथ चल रहे थे। ये पूरी योजना इनकी बनाई हुई थी। इनकी उम्र भी लगभग 56 साल है, लेकिन 5 बार अपने जवानी के दिनों में लूट और 307 जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं। फिर इसमें एक कालू शर्मा का नाम प्रकाश में आया, जो नैथला कोतवाली देहात के रहने वाले हैं, इनकी उम्र भी 50+ है। तो इस तरह से इस प्रकरण में कुल 6 अभियुक्त सम्मिलित थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 5ों की उम्र, एक को छोड़ के ड्राइवर जो कम उम्र का है, शेष सभी इस गैंग के सदस्य जो है 50+ के हैं।
तो एक बड़ा अद्भुत है। और ये सब पुराने अपराधी रहे हैं, लेकिन पिछले 8-10 सालों से इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो इस तरह बहुत ही परिश्रम के साथ हमारी टीमों ने इस घटना का अनावरण किया है, अपहृत की सकुशल बरामदगी की है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि आज शाम को 6 और 7 के बीच में एक कॉल अपहृत के परिवार में आई थी, एक फोन आया था जिसमें 30 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए घर वालों को बताया गया था। यद्यपि बात तत्समय शेयर नहीं हुई थी, लेकिन हमारी टीम ने जब इसका अनावरण किया तो इस तथ्य का ज्ञान हुआ है। एक अभियुक्त तेजवीर की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।